उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से बड़ी खबर बता दें आपको, जहाँ पर अज्ञात महिला का शव देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रारी नदी के किनारे अज्ञात महिला का शव चरवाहों ने देखा और इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी और मौके पर भाई साहब असंधरा पुलिस भी पहुंच गए, साथ ही कोठी पुलिस भी। जैसा आपको बता दें कि सीमावाद में दोनों थाना उलझ गए। इस दौरान भाई साहब लेखपाल साहब तक को आना पड़ा, मामला समझाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों के कहने पर कोठी पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला पसुआ घाट का बताया जा रहा। फिलहाल पूरे इलाके में सनसनी फैल गई अज्ञात शव को देखकर। आपको बता दें कि रारी नदी के किनारे जस्ट अज्ञात शव देखा, ग्रामीणों ने तो तत्काल इसकी सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखो भैया बाकायदा जेसीबी चल रही है, ट्रैक्टर भरे जा रहे, धरती माँ का सीना चीरा जा रहा है, हैरान मत होइए। मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज का। सौरभ शर्मा की इस रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस की भाई साहब तारीफ करने का मन कर रहा था। आधी रात को भाई साहब पुलिस पहुंच गई और भाई साहब जेसीबी को भी हिरासत में लिया और 5 ट्रैक्टर को भी हिरासत में लिया। भाई साहब ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस ने देखने की, बहुत ही सराहनीय कार्य किया पुलिस ने। आपको बता दें कि पूरा मामला कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के खानपुर का बताया जा रहा है। कुछ भी कहिए भैया, पुलिस की ऐसी कार्रवाई देख खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बगाता तालाब खोद रहे थे, पूछो ना भैया, आधा तो सफाई कर दिए थे। फिलहाल सौरभ शर्मा की।